इंदौर नगर की 164 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध। मुख्यमंत्री द्वारा इन कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इंदौर की जनता 40 साल से परेशान थी, उनकी कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा था। अब सत्ता में आते ही 3 माह के भीतर इन कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम द्वारा इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन कॉलोनियों में पेयजल ड्रेनेज सिस्टम और विद्युत प्रदाय को दुरुस्त किया जाएगा। इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं होती थी, अब होने लगेगी, मगर रजिस्ट्री के समय या उससे पहले कॉलोनी वासियों को विकास शुल्क देना होगा। यह बात आज एयरपोर्ट मैदान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शासन जनता के दुख दर्द को समझती है और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए प्रयासरत है। कॉलोनियों के नियमितीकरण का काम 30-40 साल से लंबित था। जनता द्वारा बार बार मांग की जा रही थी कि इनका नियमितीकरण किया जाए, मगर अभी तक इनका नियमितीकरण नहीं किया गया था। आज जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।